Friends, good evening and welcome all of you in our YouTube channel Magical Learning. Friends, आज competition की time है और competition में आप जानते हैं English math का बहुत important role है और उसी point of view को ध्यान में रखते हैं आज हम अपना English subject discuss करेंगे और English बिल्कुल basic. जिन्हें लगता है कि English बहुत difficult language है उन्हें आज पक्का realize हो जाएगा कि English बहुत easy language है और यदि पढ़ाने वाला और पढ़ने वाले दोनों interested हो आई थिंक इंग्लिश बहुत आसान तरीके से सीखी जा सकती है. चलिए शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए. ये वर्ड पे इसलिए लिखा हुआ है ताकि कम समय में बहुत ज्यादा सीख चुके सीख सकते हैं हम इजी लैंग्वेज में. देखिए पहले हम जानते हैं इंग्लिश. इंग्लिश को हम एज ए लैंग्वेज डिस्कस करेंगे और आप जानते हैं कि हिंदी भी एक लैंग्वेज है और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है. तो लैंग्वेज होती क्या है? पहला क्वेश्चन तो यह है कि लैंग्वेज क्या है. हम सब जानते हैं कि लैंग्वेज एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मीन लैंग्वेज एक मीडियम यानी हम कह सकते हैं लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस अवर व्यूज एंड अंडरस्टैंड द व्यूज ऑफ अदर. इसके माध्यम से हम विचारों को समझ सकते हैं और लैंग्वेज सीखने के लिए चाहे कोई सी भी लैंग्वेज सीखे एक फिक्स पैटर्न होता है. क्या सीखते हैं सबसे पहले? अल्फाबेट. हिंदी में आपने वर्णमाला सीखी है, यहाँ अल्फाबेट बोलते हैं. और अल्फाबेट में क्या होता है? लेटर्स. लेटर्स होते हैं और लेटर किसी भी लैंग्वेज दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट. जनरली जब स्टूडेंट से क्वेश्चन करा जाता है वोवेल क्या है तो जनरली बच्चा ये कहता है ए ई आई ओ यू ये वोवेल है. तो रियल में ये है वोवेल ये साउंड है और वोवेल में आते हैं. वोवेल की डेफिनेशन ये नहीं है फ्रेंड्स. वोवेल एक्चुअल वो साउंड है जो फ्रीली प्रोनाउंस हो जाती है, चाहे वो हिंदी या कोई सी भाषा में हम बात करें. ऐसी साउंड जो फ्रीली प्रोनाउंस हो जाती है वो वोवेल होती है. जो फ्रीली प्रोनाउंस नहीं होती है यानी हमारी ब्रीथ जब हम कोई भी साउंड बोलते हैं तो साथ बाहर निकलती है. यदि वो रेस्ट्रिक्टेड हो रही है तो समझ लेना वो कॉन्सोनेंट है और रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो रही है समझ लेना वोवेल है. फील करके देख लीजिए क्योंकि जो चीज हम फील कर लेते हैं ना वो कभी हम लाइफ में भूलते नहीं है. प्रैक्टिकली आप देख लीजिए बोलिए कै खै तो आपको रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं हमारी ब्रीथ रेस्ट्रिक्टेड हो गई है. अब आप इसी तरह बोलिए ए आ ई तो आपको लगेगा आप फ्रीली प्रोनाउंस कर रहे हैं. तो रियल में फ्रेंड्स यही वास्तव में यही वो साउंड है जिन्हें फ्रीली हम प्रोनाउंस कर सकते हैं. तो इसे और अच्छे समझने के लिए हम हिंदी लैंग्वेज को ले लेते हैं कि वर्ल्ड में रिसर्च हुई है कि सबसे ऑथेंटिक और साइंटिफिक जो अल्फाबेट है वर्ल्ड वाला वो हिंदी की है. और अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन ये साउंड के बेस पर जो लेटर है वो दो पार्ट में तो होते ही है लेकिन साउंड के बेस पे जो वोवेल होते हैं वो 10 है. चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ लीजिए, आप हिंदी पढ़िए, उर्दू पढ़िए, अरबी कोई भी आप पढ़ लीजिए लेकिन उच्चारण के आधार पर हम बात करें तो जो साउंड है वोवेल वो 10 ही होती है. सिंपल अलग अलग हो सकते हैं भाई. इंग्लिश में हमने ये बना के हिंदी में ये सिंबल है, उर्दू में कुछ और हो सकता है. बट ये है कि सिंबल को हम फोकस नहीं करेंगे, हम साउंड को फोकस करेंगे और इसके लिए हम हिंदी की हेल्प ले लेते हैं. देखिए ये 10 साउंड इस तरह सिंबल से इंडिकेट करी जा सकती है. आप देख लीजिए 10 साउंड लिखी हुई है. रियल में 10 साउंड ही वोवेल है. इनके अलावा कोई और साउंड आ रही है तो हम उसे वोवेल नहीं मानते, भले तो सिंबल ये है. कई बार ऐसा होगा कि ई दिया है लेकिन साउंड ये नहीं है, इट मीन्स वो वोवेल नहीं है. कई बार वो है लेकिन साउंड नहीं है तो उसे हम वोवेल नहीं मानेंगे. एक्चुअल वोवेल को हम डिवाइड करते हैं साउंड के अकॉर्डिंग. देखिए एक टॉपिक आपके इंग्लिश में आता है आर्टिकल में यूज ऑफ ए और एन, उसे समझ लेंगे तो आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है देख लेते हैं. देखिए इसे समझने के लिए हम जब ए आप सब जानते हैं ए का यूज हम कब करते हैं? कॉन्सोनेंट से पहले. लेकिन आप कॉन्सोनेंट नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड. एन का यूज किससे पहले करते हैं? वोवेल साउंड से पहले. और अच्छे समझ लेते हैं इसका यूज करने का बहुत आसान तरीका. कोई रूल ही नहीं करना आपको, प्रैक्टिकली आप समझ लीजिए कोई रूल ही आपको अप्लाई नहीं करना है. कैसे? फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड. जो भी वर्ड वहां पे दिया है डजंट मैटर वो क्या है आप उसे हिंदी में लिख के देख लीजिए. फर्स्ट लेटर उसका पहला लेटर यदि इनमें से आ रहा है कोई भी इन 10 में से समझ लेना वो वोवेल है और इनमें से नहीं आ रहा है कौन सा लेटर है. ठीक है देख लेते हैं. देखिए यहाँ वर्ड लिखा ई से शुरू हो रहा है. यदि आप देखें फोकस करें इसके स्ट्रक्चर पे इसकी बनावट पे तो कौन सॉरी वोवेल है लेकिन आवाज क्या है इसकी साउंड क्या है आप हिंदी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे यूरोपियन ये यानी ये शुरू होगी साउंड और ये तो वोवेल होता नहीं है. तो फ्रेंड्स अब आप बताइए क्या हम ए लिखेंगे एन लिखेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे लिखेंगे ए सॉरी ए क्योंकि ये है यूरोपियन लेकिन आवाज क्या है इसकी ये शुरू हो रही है यूरोपियन तो ये तो कॉन्सोनेंट है. इट मीन ये सकल से आपका वोवेल है लेकिन बट साउंड कॉन्सोनेंट इसलिए हमसे कॉन्सोनेंट ही मानेंगे यहाँ आएगा आपका ए. आफ्टर दैट ये भी ई से शुरू हो रहा है एड इसकी साउंड भी वोवेल है और लेटर का स्ट्रक्चर यानी कि लेटर भी आपका वोवेल है इसलिए साउंड क्योंकि एड ए से शुरू होगा एड लिखेंगे हम ए से शुरू होगा पहला लेटर ये है तो यहाँ क्या आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ आएगा आपका एन. और आगे बढ़ते हैं. देखिए अम्ब्रेला
यू से दो वर्ड यहाँ पे है, एक अम्ब्रेला एक यूनिवर्सिटी, पर दोनों के साउंड में डिफरेंस देख लीजिए। अम्ब्रेला हम बात करें, अम्ब्रेला साउंड क्या है, अम्ब्रेला अम, यानी पहला लेटर क्या ए, और ए तो वो भी होता है, तो यहाँ क्या आएगा एन। गुड। यूनिवर्सिटी यही यू से शुरू हो रहा है ये भी, लेकिन साउंड क्या है यूनिवर्सिटी ये, तो यह तो कोविल होता ही नहीं है, इट मीन यहाँ क्या आएगा ए। नेट देखिए इन दोनों वर्ड में कितना डिफरेंस है, दोनों बॉबी से शुरू हो रहे हैं, ये भी हो सी ये भी, लेकिन देख लीजिए साउंड में कितना डिफरेंस है। ये इधर पढ़ते वन रुपी नोट, इस समय चलन में नहीं है, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं वन रुपी नोट। तो वन रुपी नोट में हम बात करें, ये ओसन इधर प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं वन, तो पहला लेटर क्या है वै, देखिए वो लिखा हुआ है, लेकिन साउंड क्या दिया जाए वै, तो बॉबी होता ही नहीं है, इसलिए हम इसे क्या माने कॉन्सोनेंट में आएगा यहाँ पे ए। आफ्टर दैट ओरेंज भी ओ से है, इसकी साउंड भी वो है और लेटर भी वो है, यानी ओरेंज ओ से शुरू हो रहा है, और आप जानते हो क्या है फ्रेंड्स, वो तो बोविल है, यहाँ क्या आएगा एन। और एग्जाम्पल देखिए नीचे लिखे हुए हैं एम एल ए, यदि हम एम को देखें फोकस करें तो ये स्ट्रक्चर या लेटर क्या है कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं, कभी भी आप लेटर को बोविल कॉन्सोनेंट मत मानना, उसकी साउंड को हमेशा हम बोविल और कॉन्सोनेंट मानते हैं, तो ये लेटर एम एल ए है, तो साउंड क्या है एम, ठीक है फ्रेंड्स। पहला लेटर की तरफ हमने शुरू में लिखा हुआ है फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड, यानी पहले लेटर के साउंड में पहला लेटर जो ये हमने प्रोनाउंस करा, पहला लेटर क्या करा ए, ए तो आपका पोबिल होता है, जबकि लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या है साउंड इसकी पोबिल है, इसलिए यहां पे हम क्या लिखेंगे एन। इस तरह आगे लिखेंगे एफ आई आर, पहला वर्ड है एफ, और एफ को हम जब बोलेंगे आप बोलेंगे तो आप लिखेंगे एफ, इसी तरह तो पहला लेटर क्या निकाला आपने साउंड में ए, इसे भी हम क्या मानेंगे बॉबिल, इसलिए यहां भी आ जाएगा एन। गुड। अब नेक्स्ट देख लीजिए एसडीओ, एसडीओ में भी पहली साउंड क्या ए आएगी, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे यहां भी एन। नेक्स्ट वर्ड क्या है बीएससी, बीएससी में हम जब प्रोनाउंस करेंगे तो आएगा बी, तो बैट बॉबिल नहीं होता है कॉन्सोनेंट होता है, यहां क्या आएगा ए, ठीक है। इसी तरह आपने सबने पढ़ा है वर्ड ऑनेस्ट, आप इसलिए एक लेटर और देख लीजिए वर्ड और देख लीजिए ऑनेस्ट में शुरू कैसे हो रहा है एस से, एस क्या है एस तो आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या निकाल रहे हैं आप बोल के देख लीजिए और बोल के हिंदी में लिख लीजिए, आप बोलेंगे इसे ऑनेस्ट, आप ऐसे बोलेंगे ओ नेस्ट। तो फ्रेंड्स पहले आपने बाद में क्या लिखा बोल जाइए, पहले लेटर को सर्कल कर लीजिए बस, इट्स द इजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका ये हिंदी की हेल्प से, अब पहले लेटर को सर्कल कर लीजिए हिंदी में लिख के, और ये क्या है ऑनेस्ट, पहला ओ आ रहा है एच बनाओ है डजंट मैटर, हम बोल क्या रही है ओ, तो वो तो बोविल होता है, इसलिए यहाँ क्या आता है एन। तो फ्रेंड्स मुझे विश्वास है कि ये आपको यू जो ए और एन का जो कंफ्यूजन है विदाउट एनी रूल आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी किसी को यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकता है, बिल्कुल हम उसकी हेल्प करेंगे, और आगे अब इसी तरह इजीएस्ट वे में पूरी ग्रामर को हम समझेंगे, बिल्कुल इसी सीखते हम बढ़ेंगे, लेटर से मिलकर वर्ड, वर्ड से मिलकर फ्रेज, क्लाउड, फिर यानी सारा आपस में कोरिलेशन है, पूरी इंग्लिश ग्रामर आपस में कनेक्टेड है, एक हम जब एक टॉपिक पढ़ेंगे वो इजीली दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। तो कल यानी नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसी सीक्वेंस में और इजीएस्ट वे में डिस्कस करते हैं। मोर वेलकम, थैंक यू, ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।